नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को पढ़ाने के साथ दिया एक और टास्क। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज थमेगा प्रचार। बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर भारत नेपाल सीमा सील। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपितों की 25 अप्रैल तक रिमांड। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे आज, जाने कैसे बने थे क्रिकेट के भगवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को पढ़ाने के साथ दिया एक और टास्क। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा एक और टास्क दे दिया है। अब इन्हें स्कूल से बाहर जाकर बच्चों के अभिभावकों से मुलाकात करनी है और इसके साथ ही उन्हें जागरूक करना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से इस मामले में जानकारी दी गई है। जानकारी के अनुसार शिक्षकों को बच्चों के अभिभावकों को मतदान के लिए प्रेरित करना है। वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शिक्षकों के द्वारा अभियान चलाया जाएगा। ये लोगों को इस बात की जानकारी देंगे कि लोकतंत्र में मतदान में भाग लेना कितना जरूरी है। वहीं फिलहाल शिक्षकों के द्वारा स्कूलों में विशेष क्लास का 2 घंटे के लिए संचालन किया जा रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज थमेगा प्रचार। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज प्रचार थम जाएगा। चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है। यहां 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। इस चरण में बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज और बांका शामिल है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में भागलपुर से जदयू के अजय मंडल और अजीत शर्मा में टक्कर हो सकती है। पूर्णिया के लोकसभा सीट से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा और बीमा भारती के बीच मुकाबला हो सकता है। किशनगंज के लोकसभा सीट से मुजाहिद आलम और अख्तरुल इमान मोहम्मद जावेद के बीच टक्कर हो सकती है। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी और बांका से गिरिधारी यादव चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव को लेकर 17 चुनावी सभाओं को मिली अनुमति। दरभंगा में 4th चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी सभाओं को लेकर अनुमति मांगी जा रही है। इसी कड़ी में दरभंगा में 17 सभाओं को अनुमति दी गई है। इसमें राजद को 12, भाजपा को 3 और लोजपा रामविलास को 2-2 सभा करने की अनुमति मिली है। सभा को सांध की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया। बताया जाता है कि सभा करने के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति के जगह को चुना गया है तो उससे अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है। स्कूल या महाविद्यालय में सभा करने के लिए उसके प्रधानाध्यापक से अनुमति लेना जरूरी है। मुंगेर से राजद प्रत्याशी अनिता देवी ने लोगों से चुनाव लड़ने के लिए मांगी आर्थिक मदद। अशोक महतो की पत्नी और मुंगेर लोकसभा सीट से राजद की प्रत्याशी अनिता देवी ने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी है। इन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर एक QR कोड शेयर किया है। इसमें इन्होंने कहा है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा पार्टी का सिंबल मिला है। लोगों के भरोसे को लेकर आश्वस्त है। लोगों से मतदान को लेकर अपील भी कर रहे हैं, लेकिन जनता से मिलने वाली आर्थिक मदद हमारे लिए सहयोग नहीं बल्कि एक भरोसा है। हमारा राजनीतिक मुकाबला जिससे है उसके साथ पूंजीपतियों का एक वर्ग खड़ा है। उनसे आर्थिक मुकाबले में जनता का सहयोग अपेक्षित है। बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर भारत नेपाल की सीमा सील। बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। 26 अप्रैल को भागलपुर, पूर्णिया, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया के लोकसभा सीट पर मतदान होगा। इसके लिए जिलों में प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। जिला बॉर्डर को मतदान के दौरान सील किया जाएगा। वहीं भारत नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किया गया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए बॉर्डर इलाकों को सील किया गया है। बॉर्डर पर नेपाल के APF द्वारा पैदल मार्च भी किया जा रहा है। सीमांचल के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सर्राफा कारोबारी से क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन अपराधियों ने की लाखों की ठगी। बिहार के मोतिहारी में सर्राफा कारोबारी से लाखों की ठगी हुई है। यहां बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ओम साई ज्वेलर्स के मालिक पासर प्रसाद से 2 लोगों ने मुलाकात की। इसके बाद वो खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हैं। ये जांच करने के नाम पर गले में सोने का चेन, हीरा चोरित लॉकेट, हाथ में पहनने के लिए हीरा और सोने की अंगूठी को बैग में रख लेते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जाता है कि इन आभूषणों की कीमत 5 लाख रुपए है।
ठगी का एहसास होने पर स्वर्ण कारोबारी ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज आदि की जांच की है। पुलिस इलाके में छापेमारी कर अपराधियों की तलाश में जुटी है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव के सामने लगे पप्पू यादव के समर्थन में नारे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्णिया में रोड शो करने के लिए पहुंचे। यहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तेजस्वी यादव के काफिले में पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और इस दौरान राजद के कार्यकर्ता इनसे भिड़ गए। इस रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी जीत होने वाली है, हार के डर से वो लोग बौखला चुके हैं। यहाँ पर एक तरफा मुकाबला है और पूरा सीमांचल हम लोग जीतने वाले हैं। इधर पप्पू यादव के समर्थकों की ओर से कहा गया है कि पप्पू यादव ने यहाँ पर काम किया है और सस्ती लोकप्रियता के लिए दो चार अपने ही लोगों को खड़ा करके विरोध करवाने लगे हैं। पप्पू यादव के खिलाफ साजिश की जा रही है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपितों की 25 अप्रैल तक रिमांड। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपितों से दो दिन तक पूछताछ होगी। इन्हें 25 अप्रैल तक का रिमांड दिया गया है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने उज्जैन से 5 मुख्य आरोपितों को अरेस्ट किया। बताया जाता है कि दो दिनों की पूछताछ के बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। इस मामले में अब ईओयू की टीम के द्वारा हर एंगल से जांच हो रही है। गिरोह से जुड़े हुए अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा हो रही है। जानकारी के अनुसार ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इसके सदस्य अलग अलग राज्यों में है। मनोज तिवारी का बयान, पवन सिंह से करेंगे बात। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं पवन सिंह के बारे में बता दें कि उन्हें भाजपा ने बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह हमारे छोटे भाई है, उनसे इस मामले में बातचीत करेंगे। उन्हें अभी समझा रहे हैं, वो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगे। भागलपुर में जिलाधिकारी लोगों के घर घर जाकर बांट रहे ये खास निमंत्रण पत्र। भागलपुर में जिला प्रशासन के द्वारा शादी के कार्ड की तरह निमंत्रण पत्र छपवाया गया है। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी लोगों को घर घर जाकर आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं और पूरे परिवार के साथ चुनावी उत्सव में भाग लेने की अपील कर रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसकी हर किसी के द्वारा सराहना की जा रही है। मालूम हो कि भागलपुर में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। ऐसे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मनीष कश्यप ने टिकट कटने की खुद बताई वजह। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले निर्दलीय नेताओं ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। इसी क्रम में मनीष कश्यप ने इस बात की जानकारी दी कि उनका टिकट क्यों कट गया। मनीष कश्यप ने पश्चिम चंपारण की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, साथ ही लोगों से अपने पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने कहा है कि लोगों ने मुख्यमंत्री बोलकर उनका टिकट कटवा दिया है, सारे नेता भड़क गए। बिहार के जितने भी सीएम के दावेदार नेता थे, उन्होंने सोचा कि पहले इसे गेम से बाहर कर दिया जाए, इस कारण मेरा टिकट कटा था। मनीष कश्यप ने कहा है कि अब वो जनता के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान में जनसंपर्क अभियान के दौरान हिना शहाब को कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला। सिवान में जनसंपर्क अभियान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी हिना शहाब को कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला है। हिना शहाब अपने जनसंपर्क अभियान के लिए वार्ड संख्या 13 अस्पताल रोड पोखरा और वार्ड 10 चकिया गांव में पहुंची। यहां पर उपस्थित सैकड़ों महिलाओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं वार्ड संख्या 10 के स्थानीय पार्षद शाह आलम और कार्यकर्ताओं की ओर से हिना शहाब को लड्डू से तौला गया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में हिना शहाब ने कहा कि उन्होंने महिलाओं से बातचीत की और उनकी छोटी छोटी परेशानियां सामने आ रही है, जीतने के बाद वो इन परेशानियों को दूर करेगी। भाजपा नेताओं ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। सारण से राजद की लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट में कथित रूप से फेसबुक पर बगैर नाम का खुलासा किए हुए ज्ञापन में ये कहा गया है कि रोहिणी आचार्य ने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के परिवार के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। इसका वीडियो पत्र के साथ संकलन कर जो चुनाव आयोग को समर्पित किया गया है। सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन आज जाने कैसे बने थे क्रिकेट के भगवान।
पूरे विश्व के महान क्रिकेटरों में से एक सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में खेलकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। सचिन तेंदुलकर आज अपना 51 जन्मदिन मना रहे हैं। आज के सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर को उनके फैंस के द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही है। आपको बता दें कि महज 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रख दिया था। साल 1989 में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे में डेब्यू किया। सचिन तेंदुलकर के बारे में कहते हैं कि उनके गुरु रमाकांत आरेकर अभ्यास के दौरान क्रीज पर विकेट के नीचे सिक्का रख देते थे और कहते थे कि ये सिक्का सचिन तेंदुलकर को आउट करने वाले का होगा। इस तरह से सचिन ने कुल 13 सिक्के अपने नाम किए। ये सिक्के आज भी उनके पास है। सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। JEE एडवांस की 26 अप्रैल को होगी परीक्षा। IIT में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा JEE एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं 26 अप्रैल को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस बार IIT मद्रास को इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 21 अप्रैल को पंजीयन की तिथि निर्धारित थी, लेकिन इसे फिर से बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दिया गया। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई है। परीक्षा के शुल्क को जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई है। 17 मई को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वहीं 9 जून को परीक्षा का परिणाम जारी होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, राजकिशोर महतो, दीपक कुमार, राज ठाकुर, नौशाद राजा, राकेश मिश्रा, धीरज कुमार शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, गुनर शर्मा, राजेश मांझी, बाबूलाल मरांडी, रमन कुमार, मोहम्मद शकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, बिहार की किस लोकसभा सीट से आपको मुकाबला सबसे अधिक दिलचस्प लग रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।